ओके सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात। इस वीडियो से मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो है कंटेंट थोड़ा चेंज होने वाला है, इस वीडियो से कंटेंट प्योरली चेंज हो चुका है। क्या चेंजेस हुए हैं? तो जैसे मैं पहले कमेंट रिक्वेस्ट, आपको पता होगा जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को पहले भी देखा होगा, कि कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में मैं बात करता था और मैंने कहा था कि अब जो है मैं थोड़ा कंटेंट को चेंज करूंगा। तो अब कंटेंट में क्या चेंज आएगा? तो मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मुझे दिख रही होंगी, उसको मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किस तरह से अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की जाती है, किस तरह से आपको पता लगेगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है और एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है, या फिर ये कोई आप कह सकते हो ट्रैप है। ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करूंगा। एंड जिस तरह का थंबनेल आपको इस वीडियो में दिखा होगा, वैसा ही कुछ थंबनेल आपको अब जनरली दिखने वाला है। हाँ, इसके आसपास में और भी कुछ इधर उधर के वीडियोस, जो डिटेल्ड वीडियोस होते हैं, जैसे इस तरह के थंबनेल वाले वीडियोस, इस तरह के टॉपिक वाले वीडियोस भी अपलोड करूंगा। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब से जो है बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आपके लिए जो भी वीडियोस आने वाली है अब से। और हो सकता है मैं वीडियोस का जो इंटेंसिटी है, मैं जो दिन के दो वीडियोस अपलोड करता हूँ, उसको मैं थोड़ा आगे पीछे करूँ, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करूँ, तो वो चीज़ मैं आपको आगे जैसे जैसे होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बातें काफ़ी सारी हो चुकी है, सब्सक्राइब आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से सेट कर देना। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करना। पीआई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाला है, क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज़ में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब वो क्या अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। कोई भी वीडियो में किसी तरह से मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। प्योरली ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस को बेस करके मैं बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके थोड़े से बिजनेस के बारे में। अगर मैं आपको बिजनेस इसका बताऊं, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी जो है एग्रोकेमिकल में काम करती है, एक लीडिंग प्लेयर है, मतलब एक मार्केट लीडर है एग्रोकेमिकल्स में। और डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट है, दोनों में ही इसका काफी अच्छा प्रेजेंस है। उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपनी जो है दो मेन कैटेगरी से अर्न करती है। 76% ऑफ इट्स रेवेन्यू जो है, अपने रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा आप कह सकते हो, 76% एक्टिव इंग्रेडिएंट से आते हैं एंड इंटरमीडिएट से आते हैं, और 23% हिस्सा जो बचा वो आता है सेल ऑफ फॉर्मुलेशन से। तो फॉर्मुलेशन बेचने से 23%, एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड इंटरमीडिएट बेचने से जो है 76% आता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख सकते हो, एग्रोकेमिकल कंपनी मतलब क्या होगा, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड और इसी तरह से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद ग्लोबल प्रेजेंस आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब आप पॉज कर करके देखना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इतना आपको डिटेल में रीड करते करते बताया तो। खैर कोई भी हो, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बिजनेस आपको ओवरऑल समझ में आ चुका होगा। मार्केट कैप के बारे में अगर बात करें, 52,815 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी में कंपेरेटिवली रिस्क आपको कम देखने मिलेगा। अब लार्ज कैप में भी यार समझो इस चीज़ को, दो तीन तरह के लार्ज कैप होते हैं। एक जो लार्ज में भी बहुत लार्ज बन चुके हैं, बहुत लार्ज इन द सेंस जैसे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, या फिर जो आप, मैं अगर नाम लूँ तो रिलायंस हो गया, ठीक है, TCS हो गया, और ये सब बहुत बड़े बन चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट कैप इनका हो चुका है। और एक जो होता है लार्ज कैप में भी, जिनका मार्केट कैप कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है, जैसे कि जो 1 लाख 2 लाख करोड़ वाले मार्केट कैप हो गए, और एक लार्ज कैप होता है जो 52,000 करोड़, 50,000, फिर 70,000, इस तरह के आसपास का जो मार्केट होता है, मार्केट कैप होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा, मार्केट कैप जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ही आपको जो है यहाँ पे ग्रोथ कम देखने मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो CAGR होता है, जितना बड़ा आप मार्केट कैप लोगे, रिटर्न्स आपके कंपेरेटिवली उतने ही स्लो बनेंगे, और जितना छोटा मार्केट कैप लोगे, रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा उसके साथ। वैसे लार्ज कैप है तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के परसेंटेज के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल का 23% है, 3 साल का 24% है, TTM का 21%
परसेंट है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ कंपनी का बहुत अच्छा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 5 साल का 28% है, 3 साल का 39 या फिर 39% है और TTM का 47% है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, जितना सेल्स ग्रोथ बढ़ता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता है, मतलब बॉटम लाइन ज़्यादा बढ़ता है टॉप लाइन से, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। स्टॉक प्राइस CAGR आप यहाँ पे देख सकते हो खुद से ही, कुछ खास नहीं है, अगर मैं देखूँ तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। और अगर आगे बात करें ROE के बारे में, तो ROE यहाँ पे देख सकते हो 10 साल का 20% है, फिर 5 साल का 18%, फिर 3 साल का 17%, फिर लास्ट ईयर का 18%, मतलब अगर आप देखोगे तो ROE 17-18% के आसपास है, विच इज़ नॉट दैट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप अगर मानोगे इसमें 40-50% का ROE मिले, तो उसके लिए आपको जो है स्मॉल कैप्स पकड़ने होंगे, उसके लिए आपको छोटी कंपनीज पकड़ने होंगे। अगर आप बड़ी कंपनीज में जाओगे तो यहाँ पे आपको कम रिस्क में आपको थोड़ा कम ग्रोथ ही मिलता है, लेकिन फिर भी इसमें जो ग्रोथ है काफ़ी डिसेंट है लार्ज कैप के हिसाब से, 50,000 करोड़, 52,000 करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट ग्रोथ है, नंबर्स भी ठीक ठाक है। हाँ, अगर आप बात करोगे तो इन तीनों में से, अगर मैं इन तीनों में से बात करूँ, क्योंकि यही तीन नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो मुझे ROE का नंबर कुछ खास अच्छा लगा नहीं, लेकिन सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर बहुत अच्छे हैं। अगर आप EPS ग्रोथ देखना चाहते हो तो ये भी आप देख सकते हो, लगातार यहाँ पे जो है 8, फिर 7 हुआ, फिर 13, 18, 22, 33, मतलब इसके बाद जो ये जो है अभी 88 के आसपास है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप बाकी चीज़ें देखना चाहते हो तो एक झलक आप बैलेंस शीट पर भी दे सकते हो कि यहाँ पर रिजर्व जो है लगभग 7,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व है, बॉरिंग्स लगभग 46 की है और CWIP भी कंपनी लगातार 100 करोड़ 200 करोड़ का करती है। अगर मैं आगे बढ़ूँ इन्वेस्टर्स पे, तो यहाँ पे इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, और मैं हमेशा कहता हूँ पब्लिक के पास, रिटेल इन्वेस्टर के पास जितना कम शेयर होल्डिंग उतनी अच्छी बात। यहाँ पे देखो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11% या 10% का शेयर होल्डिंग है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल्स पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फंडामेंटल इसलिए बताया क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल कोई काम नहीं देगा आपको, आपको फंडामेंटल के साथ टेक्निकल्स का जानना भी बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकल के में क्या है क्या नहीं है। या फिर अगर मैं इसको घुमा करके बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप लॉन्ग टर्म में टेक्निकल्स को देख रहे हो तब तो गलत बात है, आपको फंडामेंटल्स भी देखने हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आप देख सकते हो इस चीज़ को, अब आपकी मर्जी, बट मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लगातार एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये जो जोन है ये एक जोन है और इसी जोन से ये ऊपर नीचे थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे देखोगे अभी तक इसने 1, 2, 3, 4 बार सपोर्ट ऑलरेडी ये ले चुका है, और अभी जो ये 5वां बार 5th टाइम ये होने वाला है। और अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो चार्ट है, जो टेक्निकल है, उसमें एक रेजिस्टेंस भी हमें दिख रहा है, जो कि इसी तरह से जो है रेजिस्टेंस भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला यहाँ मिला, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये जो एक रेजिस्टेंस का जोन है और ये जो है एक सपोर्ट का जोन है, और यहीं पे कंपनी जो है बीच में फंसती हुई जा रही है ऊपर की साइड। अभी कंपनी कहाँ पे अवेलेबल है? अभी कंपनी अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि एक सपोर्ट के जोन के पास है, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने जो है सपोर्ट लेना स्टार्ट भी कर दिया है। आप मैं अगर थोड़ा यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊँ तो कंपनी जैसे यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन बना, फिर कंपनी थोड़ा नीचे आई, फिर यहाँ पे जो है ग्रीन, 3-4 ग्रीन बने, और अब फिर से रेड बन रहा है, और फिर इस तरह से जो है कंपनी यहाँ से एक सपोर्ट लेगी, देखने से तो यही लग रहा है। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगेन मैं जो हमेशा बात करता हूँ कि क्या यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर ही जा सकती है, सिर्फ नीचे नहीं आ सकती, तो बिल्कुल हो सकता है कि नीचे भी कंपनी थोड़ी सी आए, थोड़ा सा यहाँ पे फंस करके थोड़ा और भी नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ से जो ये सपोर्ट का लेवल ये बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो आज या तो कुछ थोड़ा देर फंसने के बाद या थोड़ा ऊपर नीचे करने के बाद यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। और अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म है तो कोई स्टॉप लॉस वाली बात नहीं है। और अगर नीचे आता है, अगर यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये ब्रेक करके यहाँ से नीचे आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे मैंने कहा स्ट्रांग है, तो आने के चांसेस कम है। अगर आएगा तो क्या, अगर आएगा तो उसके बाद वीडियोज़ में बनाऊँगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो आप एवरेज डाउन कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, अगर आप इसे मार्क करोगे तो ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर अगर आता है देन फिर आप एवरेज डाउन कर सकते हो, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा एवरेज डाउन कर सकते हो,
तो इस तरह से मैं आगे वीडियो बना दूंगा। खैर जो भी हो, तो यहाँ पे ये था पूरा वीडियो और ऐसा ही पहला वीडियो था। मैंने एक बात करा एक स्टॉक के बारे में, धीरे धीरे जो है दो तीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आएगा मैं बात करता रहूंगा। और एंड करते हैं यहीं पर वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो ये थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, तो आगे से जो वीडियोज आएंगे वो थोड़े शॉर्ट में भी होंगे, मतलब वीडियो का जो लेंथ है वो कम होगा। और रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है वीडियो में, इस चीज़ को भी आपको समझना है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।